Dear students, good morning. It is me, Sir Singh. I welcome to all the students studying in class 10th as well as in 9th. तो क्या है बच्चों, देखिए आपका सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 में आपका सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 1 आपका चल रहा था और चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें किन किन लोगों ने, किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले वाले वीडियो में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जोसेफे मैसनी के योगदान को हमने आपको बताया था, पढ़ाया था और आज जोसेफे मैसनी के बाद में हम एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति काउंट कैमिलो दे काबून के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी यूरोप के राष्ट्रवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए काउंट कैमिलो दे काबून के बारे में हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि इन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को कैसे निभाया था। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, तो काउंट कैमिलो दे काबून जो था वो इटली के सार्डिनिया और पीडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। कौन था पहले जान लेते हैं कि इटली कहां का भाई, आप जानते हो कि इटली जो है वो यूरोप का ही एक राष्ट्र है। तो इटली के सार्डिनिया, सार्डिनिया और पीडमांट, सार्डिनिया और पीडमांट राज्य का क्या था प्रधानमंत्री था। ठीक है, जानने बाद तो कौन था, काउंट कैमिलो का काबू कौन था, इटली का मतलब यूरोप के इटली राष्ट्र के इटली देश के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का, जैसे अपने इंडिया में होते हैं राज्य वैसे ही, जैसे उत्तर प्रदेश के है ना और मध्य प्रदेश आदि राज्य, तो वैसे ही इटली राष्ट्र के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। कौन था, ठीक है, और कह रहा है क्या, काबून जो था वो ना ही एक क्रांतिकारी था, मतलब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेता था, है ना। तो काबून जो था ना ही एक क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास करता था, मतलब ना ही लोकतंत्र में विश्वास करता था। ठीक है, काबून जो था ना ही एक क्रांतिकारी ही था और ना ही वो लोकतंत्र था, जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, बल्कि वो एक आदर्श समाज में विश्वास करने वाला व्यक्ति था जहां पर सभी लोग सुख शांति से प्रसन्नता से रह सके। ठीक है, और जिन पर किसी का भी शासन ना हो ऐसा व्यक्ति था। तो और कह रहा है क्या कि काबून जो था वो इटली के उच्च और धनी वर्ग के व्यक्तियों के समान, ठीक है, उसका इतालवी भाषा की अपेक्षा उसका फ्रेंच भाषा पर कमांड बहुत अच्छा था। ठीक है, इटली की जानते हो कि उस समय फ्रेंच भाषा का जो अस्तित्व था वो बहुत ज्यादा था, मतलब फ्रेंच भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इटली के जो उच्च और धनी उच्च शिक्षित लोग और धनी वर्ग के लोग जो थे वो इटालियन अर्थात इतालवी भाषा की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को बोलने वाले थे और फ्रेंच भाषा को ही महत्व देने वाले लोग थे। तो वैसे ही काउंट कैमिलो दे काबून जो था वो इटली के उच्च शिक्षित और धनी वर्ग के समान है ना इतालवी भाषा में, इतालवी भाषा की अपेक्षा वो फ्रेंच भाषा को अधिक महत्व देता था और फ्रेंच भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, कह रहा है क्या कि अब देखो काउंट कैमिलो दे काबून, मतलब काबून के प्रयासों से, काबून के ही प्रयासों से
है ना, फ्रांस और इटली के राज्य सार्डिनिया और पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई, ठीक है, काउंट कैमरून का काबुल के प्रयासों से ही, फ्रांस के बीच में और इटली के राज्य सार्डिनिया और पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई थी, और फ्रांस से काउंट के काबुल से फ्रांस से बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए फ्रांस से उसके बहुत ही अच्छे संबंध थे, ठीक है, और फ्रांस की सहायता से उसने क्या किया, फ्रांस की सहायता से उसने, है ना, फ्रांस की सहायता से सार्डिनिया और पीडमांट नामक इटली के राज्य ने सन 1859 में ऑस्ट्रिया को प्रयास किया था, मतलब उसकी सहायता से, अपने कूटनीति की सहायता से उसने फ्रांस के साथ में मिलकर, है ना, फ्रांस को किया उसने, है ना, तो फ्रांस की सहायता से, तो उसने अपने कूटनीति के सहायता से सन 1859 में, है ना, सार्डिनिया और पीडमांट में, है ना, ऑस्ट्रिया जो उसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र था, ऑस्ट्रिया को उसने पराजित किया था, ठीक है, और काबुल ने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का भी नेतृत्व किया, तो ये योगदान आप रहा काउंट कैमरून का, काबुल का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक है, फिर से जान लेते हैं कि काउंट कैमरून का काबुल कौन था, तो काउंट कैमरून का काबुल जो था वो इटली राष्ट्र के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का एक क्या था भैया, प्रधानमंत्री था, ठीक है, इसके साथ साथ में काबुल जो था वो ना ही एक क्रांतिकारी था, मतलब क्रांतिकारी नहीं था, है ना, मतलब वो हिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, तो ना ही वो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र या लोकतंत्र में ही विश्वास करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, काबुल जो था वो इटली के धनी और शिक्षित और उच्च वर्गों के समान, है ना, इतालवी भाषा की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलने वाला व्यक्ति था, फ्रांस से उसके बहुत ही गहरे संबंध थे, और क्या हुआ कि काबुल के प्रयासों से फ्रांस और सार्डिनिया और पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई, काबुल के प्रयासों से ही फ्रांस और सार्डिनिया और पीडमांट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई थी, और भैया कह रहा है कि फ्रांस की सहायता से उसने सार्डिनिया और पीडमांट राज्य को ऑस्ट्रिया पर उसने विजय दिलाई थी, ठीक है, और उसने क्या किया, उसे काबुल ने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए, एकीकृत करने के लिए, मतलब एक बनाने के लिए, एक करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसका उसने बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किया, और उसके प्रयासों से इटली के जो राज्य थे वो एक होकर के, है ना, एक समृद्ध और शक्तिशाली इटली के रूप में विकसित हुए थे, ठीक है, तो काउंट कैमरून द काबुल के बारे में, है ना, हमने पढ़ लिया, और इसके बाद में जो हम देखें क्या कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, है ना, कि यूनान जो था राष्ट्रवाद के समय, राष्ट्रवाद के उदय के समय जो यूनान था, है ना, अथवा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीस, तो यूनान के स्वतंत्रता के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यूनान जो था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और तब तक के लिए गुड बाय।